नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे पिटेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो नया रिलीज अभी लॉन्च होने वाला है 5.0 के बारे में। और अभी तक अपने जो टेली सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसका रिलीज है 4.1 और वो अभी भी आपको टेली सॉफ्टवेयर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी 4.1 ही शो रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी वहाँ पर भी आप लोगों को 5.0 देखने को मिलेगा। तो कंपनी ये जो नया रिलीज अभी लॉन्च करने वाली है 5.0 का, तो उसके अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं जो ऐड किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने पांच ऐसे इम्पोर्टेंट जो नए फीचर्स अपडेट हुए हैं 5.0 के बारे में, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो उन पांच फीचर्स को अगर आपने पूरा कंप्लीट देख लिया तो ऑलमोस्ट उन पांच फीचर से अकाउंटेंट लोगों को भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती भी दिखाई दे रही है, और एक जो बिजनेसमैन की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी उन पांच फीचर्स के अंदर पूरी होती दिखाई दे रही है। तो ये क्या क्या पांच फीचर्स हैं, ये किस प्रकार से वर्क करेंगे और ये पांच फीचर्स टेली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और आपने पूरा कंप्लीट देख लिया इन पांचों फीचर्स को तो आप लोग खुद कहोगे भी वास्तव पहली बार टेली सॉफ्टवेयर में कोई अच्छे फीचर्स है जो सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट किए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर रायसनगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को टेली प्राइम के 5.0 का ये जो नया रिलीज है उसके अंदर जो हमारी जुलाई मंथ की जो रिटर्न रहेगी, चाहे वो GSTR 1 की बात हो चाहे वो GSTR 3 की बात हो, तो डायरेक्टली हम उसको टेली 5.0 के साथ ही अपडेट करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, पांच पॉइंट के ऊपर प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे और सभी फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है लेजर क्रिएट करने का, तो बहुत सिंपल था। अभी तक अपने जो लेजर क्रिएट कर रहे थे तो अपने क्या करते हैं, गेटवे टेली पे आके क्रिएट पे आते हैं, लेजर पे आते हैं और सिंपल अपने क्या करते हैं, लेजर का नाम लिख देते हैं, एड्रेस लिख देते हैं और उसका स्टेटस वगैरह सब कुछ करके एक्सेप्ट कर देते हैं। लेकिन अब इस नए रिलीज के अंदर 5.0 के अंदर आपको, अगर आपका चाहे वो सप्लायर्स का लेजर बना रहे हो चाहे आप अपने कस्टमर का लेजर बना रहे हो, अगर वो रजिस्टर्ड है उसके पास GST नंबर है तो डायरेक्टली आप उसके GST नंबर के साथ उसके लेजर को क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर एक नया फीचर्स यहां पर अपडेट हुआ है, फेच डिटेल यूजिंग GST नंबर। तो बस सर ये भी आपके सिस्टम के अंदर नेट अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप फेच डिटेल यूजिंग GST नंबर से आप उसका डेटा ले सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फेच डिटेल पे अपने जाएंगे तो यहाँ पर आपको उस पार्टी का नाम जो GST नंबर है उसका GST नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। तो एग्जांपल के लिए अपने किसी एक बैंक का लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बैंक का GST नंबर लिया है, इसको अपने कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो इसने डाटा को फेच करके सारी डिटेल यहाँ पर अपने को बता दी, भी ट्रेडर का नेम क्या है, उसका लीगल नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका स्टेट, पिन कोड, GST नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच कर लिया पोर्टल से। अगर आपको लगता है ये सारी डिटेल बिल्कुल सही है तो आप इसको कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे आपने कंट्रोल ए बटन प्रेस किया, पार्टी का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया और उसके बाद के अंदर आप ग्रुप, अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन गलत हो रहा है तो आप इसको ग्रुप अपना जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, भी आपका ये सेंडरी डेबिटर है या सेंडरी क्रेडिटर है। उसके बाद में सारी डिटेल, एड्रेस डिटेल, GST की नंबर डिटेल, रजिस्ट्रेशन रेगुलर है, कंपोजिशन है, वो भी इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और सिंपल आप इसको यहाँ से कंट्रोल ए बटन से इसको सेव कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि काफ़ी सारी गलतियाँ होती थी GST नंबर लिखने के अंदर। अब आप GST नंबर लिखोगे तो लेजर आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो ये फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। तो उसके बाद अपने बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट था इंपॉर्टेंट है GST की रिटर्नों से रिलेटेड। तो अभी तक अपने सॉफ्टवेयर से जो GST रिटर्न तैयार कर लेते थे, चाहे वो GSTR 1 की बात हो चाहे वो GSTR 3B की बात हो, तो अपने उसको एक बार एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर लेते थे, अपने उसकी JSON फाइल अपने तैयार कर सकते थे टेली सॉफ्टवेयर से। लेकिन अब अपने 5. जो रिलीज आ रहा है नया, इससे अपने डायरेक्टली पोर्टल पर भी रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ डायरेक्टली अपने अपलोड भी कर सकते हैं। तो अब ये जो नए फीचर्स अपडेट हुए हैं तो वो आप लोगों को इस एक्सचेंज के बटन पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आपको GST का लॉगिन, अपलोड, डाउनलोडिंग सब कुछ यही मिलेगा। तो अपने फर्स्ट टाइम आपको करना क्या होगा,
जीएसटी पोर्टल पे जाके जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपका जो यूजर आईडी है, आपका जो पासवर्ड है, उसके साथ अपने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर इसको एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ताकि ये पोर्टल हमारा जो जीएसटी सॉफ्टवेयर है पोर्टल के साथ में अटैच हो जाए और वहां से डाटा हमें फेच कर करके शो करता रहे। उसके साथ साथ अपने बात आती है जीएसटी रिटर्न को अपलोड करने की। एक्सचेंज पे अपने चलते हैं, तो यहाँ अपलोड जीएसटी रिटर्न, इसके ऊपर अपने क्लिक करेंगे। तो जैसे अपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसने जो रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी R1 और जीएसटी R3 भी ऑलमोस्ट अपने हर मंथली अपलोड करते हैं। तो जैसे अपने जीएसटी R1 को अपलोड किया, तो यहाँ पर अगर आप कंपोजिशन के अंदर रजिस्टर्ड हो तो आपको CMP 08 भी यहाँ पर ये अपलोड करेगा, ठीक है। और यहाँ आपने इसका टाइम पीरियड देते हैं, जैसे हमें अभी जुलाई मंथ की रिटर्न फाइल करनी है तो 1/7 से 31/7 का टाइम पीरियड दिया। यहाँ पर हमारी जीएसटी R1 है जो प्रिपेयर हो रही है, और अभी तक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या था, केवल एक्सपोर्ट का ऑप्शन था, लेकिन अब यहाँ पर एक सेंड का ऑप्शन भी दे दिया गया। आप एक्सपोर्ट करके अपने सिस्टम के अंदर इसकी एक्सेल फाइल भी आप सेव रख सकते हो, डायरेक्टली आप इसको पोर्टल पर अपलोड भी कर सकते हो। जैसे ही अपने सेंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अपने से परमिशन मांगेगा, कंटिन्यू अपने इसको यस कर देंगे। तो यस करने के बाद क्या होगा, अगर अपना जो जीएसटी नंबर और पासवर्ड, जो हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड अगर वहाँ पर दिया होगा, तो ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली अपनी टेली सॉफ्टवेयर से ही अपलोड कर देगा जीएसटी रिटर्न को। अगर कोई एरर रहेगी अपने जीएसटी रिटर्न के अंदर, किसी का मान लीजिए कोई अपने डाटा गलत है, कोई टैक्स की कैलकुलेशन कोई मिसमैच हो रही है, तो भी हमें सॉफ्टवेयर वार्निंग देगा, ठीक है। तो ये फीचर्स एक नया अपडेट हुआ, डायरेक्टली अपने सॉफ्टवेयर से जीएसटी R1 ही हो चाहे वो जीएसटी R3 भी हो, अपने डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स, अपने जीएसटी रिटर्न के अंदर जो अपने जीएसटी रिटर्न ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं उनको भी अपने डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने का ऑप्शन भी यहाँ पर है, डाउनलोड जीएसटी रिटर्न्स। जैसे अपने डाउनलोड जीएसटी रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फर्स्ट टाइम बता देगा भी रिटर्न टाइप जीएसटी R1, जीएसटी R2A, जीएसटी R2B या फिर 3B, और यहाँ आपने टाइम पीरियड भी बता सकते हैं कब से लेके कब तक करनी है। तो अगर आपको पर्टिकुलर ये सारी रिटर्न वन टाइम डाउनलोड नहीं करनी है, पर्टिकुलर आपको 2B डाउनलोड करना है, तो अपने कॉन्फ़िगरेशन में जाके और यहाँ पर आपका आ जाएगा रिटर्न टाइप ऑल रिटर्न। जैसे अपने इस पर क्लिक करेंगे, एंटर बटन करेंगे, तो यहाँ आपको वो पर्टिकुलर एक रिटर्न भी पूछ लेगा भी आपको कौन सी रिटर्न है जो आपको डाउनलोड करनी है। मान लीजिए मेरे को 2B डाउनलोड करना है, उसके बाद पूछ लेगा 2B के साथ और कौन सा आपको डाउनलोड करना है, 2A भी करना है या नहीं करना है। तो नहीं करना तो आप एंड ऑफ लिस्ट पे बटन दबाइए, या आप रिटर्न का टाइम पीरियड भी दे सकते हो। जैसे मैंने कह दिया 1/6 से 30/6 तक का मेरे को डाउनलोड करना है, कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद जैसे ही अपने डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी रिटर्न डाउनलोड भी हमें करके देगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है एज ए अकाउंटेंट के नज़रिए से देखा जाए तो, ताकि जो हमारे अभी तक रिटर्न अपलोड हुए वो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ मैच होते रहे। उसके साथ साथ अगर आपने कोई लेज़र तैयार किया, मान लीजिए आपने कोई सप्लायर का लेज़र आपने बनाया है, उसकी आपको हिस्ट्री चेक करनी है कि आपने जिस सप्लायर से आपने गुड्स परचेज किए वो सही है या नहीं है, कोई वो डिफाल्टर की सूची में तो नहीं है। कई बार ऐसा होता भी है, हम कोई जैसे मान लीजिए हमने पार्टी से प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन वो ऑलरेडी ब्लॉक हो रहा हो या किसी कारण उसका जीएसटी नंबर इनवैलिड आ रहा हो, तो आप उसकी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो भी जो पार्टी है वो प्रॉपरली अपनी रिटर्न, यानी कि जो जीएसटी R1 है वो टाइमली फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने टाइमली अगर अपनी जीएसटी R1 फाइल नहीं करी तो अपने को ITC लेने के अंदर दिक्कतें आ जाती है। तो इसके लिए आप एल्टर पे जाओगे उस लेज़र का स्टेटस देखने के लिए, लेजर पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने अभी जो एक लेजर क्रिएट किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसके पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फेच डिटेल्स यूजिंग जीएसटी नंबर पर अपने क्लिक करेंगे, डाटा इसने यहाँ पे फेच कर लिया, और उसके बाद में यही ऑप्शन आ जाएगा फाइलिंग हिस्ट्री का। जैसे अपने फाइलिंग हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, डाटा फेच हुआ और यहाँ टोटल डिटेल्स आपकी आ जाएगी जीएसटी R1 की और जीएसटी R3B की, भी आपका रिटर्न पीरियड, डेट ऑफ फाइलिंग, मोड और स्टेटस क्या है। इसी तरीके से आपके जीएसटी R3B की रिटर्न पीरियड, डेट ऑफ फाइलिंग, मोड क्या है और स्टेटस क्या है। तो बिल्कुल फाइल आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, सारी रिटर्न टाइम पे जा रही है, तो इसका मतलब आपका जो सप्लायर है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये भी स्टेटस चेक करने का टेली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको नया फीचर देखने को मिलेगा। और इसके बाद में पाँचवा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो एज ए बिजनेसमैन की अगर दृष्टि से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, जीएसटी की अमाउंट को लेके।
कई बार ऐसा होता है भी, आपने मान लीजिए किसी सप्लायर से कोई गुड्स परचेज किया, अपनों ने उसको आईटी से ले लिया, लेकिन सप्लायर ने वो जीएसटी रिटर्न अपनी जीएसटी R1 को फाइल नहीं किया, तो हमारा डाटा 2A या 2B के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो हमें दिक्कतें हो जाती है, उतना आईटी से अपने उस मंथ के अंदर रिवर्स करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट बिजनेसमैन यही करते हैं भी, उसके टैक्सेबल अमाउंट की पेमेंट कर देते हैं और टैक्स की अमाउंट को होल्ड करते हैं, तब तक होल्ड करके रखते हैं जब तक उसका ITC 2B के अंदर हमें डाटा रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट ना हो। तो अब इसके लिए हमें पहले से कोई, अभी तक जो हमारा रिलीज हम यूज़ कर रहे थे 4.1 तक, तो अभी TDL यूज़ करना पड़ता था पैसे दे के, लेकिन अब हमें TDL देने की, पैसे देने की, TDL खरीदने की जरूरत नहीं है। तो वो भी हमें इस नई फीचर्स के अंदर, अपडेट के अंदर हमें देखने को मिलेगा 5.0 के अंदर। किस प्रकार से देखेंगे अपने उसको, डिटेल पर जाएंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर जाएंगे, आउटस्टैंडिंग पर जाएंगे, और यहाँ आप चाहो तो आप पर्टिकुलर किसी लेजर को आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक ABC स्टेटस से गुड्स परचेज किया हुआ है और टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर दे दिया 1/7 से 31 जुलाई तक, ठीक है। और उसके बाद अगर अपने इसकी इन्वॉइस की बात करें, तो मान लीजिए मैंने एक ये इन्वॉइस परचेज किया हुआ है, ठीक है, 638 रुपये और 78 पैसे का। अपने उस इन्वॉइस को भी ओपन कर लेते हैं, तो इन्वॉइस के अमाउंट देखोगे 638 रुपये और 78 पैसे, 563 रुपये इसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू है और ये इसके अंदर टैक्स की अमाउंट है। एल्ट ए बटन के साथ इसका डिटेल एनालिसिस अगर अपने देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि टोटल 75 रुपये और 78 पैसे का टैक्स है CGST और SGST टैक्स को मिला के। तो अब अपने इसकी डिटेल को देखने के लिए अपने को पता कैसे चलेगा भी पार्टी ने अपनी GST R1 फाइल कर दी या नहीं कर दी, इसका जो ITC है वो पोर्टल पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा, पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन बटन यानी कि F12 बटन प्रेस करना है और उसके बाद में ये ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पर शो ITC एट रिस्क एंड बैलेंस अमाउंट, इसको अपने को यस करना है। तो जैसे ही अपने इसको यस करेंगे, इन सभी फीचर्स को अपने यस कर लेंगे और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे आपने एक्सेप्ट किया तो यहाँ अगर आपने डिटेल देखें तो ये आपकी पेंडिंग अमाउंट आ रही है 638 रुपये की, जो अभी आपने इनवॉइस देखा था, अमाउंट्स इन बुक्स, इनवॉइस की अमाउंट और टैक्स की अमाउंट। तो इनवॉइस की अमाउंट आपको 638 रुपये 78 पैसे और 75 रुपये 78 पैसे टैक्स की अमाउंट आ रही है। और ये आगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा अमाउंट्स ऑन पोर्टल, पोर्टल पर इनवॉइस की वैल्यू क्या आ रही है और टैक्स की अमाउंट क्या आ रही है। तो यहाँ आपको साथ के साथ ये डिफरेंस भी बता रहा है, पोर्टल पर अभी कुछ नहीं है, डिफरेंस आपका अभी भी उतना AGTC बना हुआ है। जैसे पार्टी हमारी GST R1 फाइल कर देगी तो हमें शो करेगा, तो शो करेगा कैसे, वो हमें कैसे देखने को मिलेगा? तो यहाँ आपको F7 बटन प्रेस करना है GST इन्फो पर। जैसे अपने इस क्लिक करेंगे तो जैसे हमारा डाटा और मतलब पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस शो होगा भी अमाउंट्स इन बुक्स क्या रह रही है और अमाउंट्स ऑन पोर्टल यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो ये आपका डिफरेंस अमाउंट भी यहाँ पर टेली सॉफ्टवेयर आपको बताएगा भी आपके बुक्स के अंदर है उतना पोर्टल पर है, तो आपका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, पोर्टल पे कम या ज़्यादा है तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पर भी शो करेगा। तो इससे क्या होगा भी एज ए बिजनेसमैन की अगर दृष्टि से देखा जाए तो इस बात को पता चलता रहेगा भी पार्टी ने अभी तक हमें GST का जो पैसा है वो हमें नहीं दिया है, तो इससे वो अपने बिजनेस को उसी के अकॉर्डिंग उसके अमाउंट भी पे कर सकता है ताकि उसको टैक्सेबल अमाउंट पे करे, GST के अमाउंट को वो रोक के रख सकता है। अभी तक टोटल पेमेंट हो जाती थी, पार्टी की जो GST R1 टाइम पे फाइल करती नहीं थी, तो उसकी वजह से उसके कस्टमर को दिक्कतें आती थी ITC लेने में। तो ये उसके अलावा और बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं जो 5.0 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आज जिन 5 टॉपिक के पर अपनों ने डिस्कस किया है, तो ये टॉपिक आपको कैसे लगे, ये जो नए फीचर्स जो नए ऐड हुए हैं इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो भी आप हमें डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपके कमेंट को, आपके सुझाव को हम टेली कंपनी के पास में प्रोवाइड करवा सकें, जैसे कि आने वाले टाइम के अंदर उनके ऊपर भी टेली कंपनी अपना विचार विमर्श भी कर सकती है। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।